अगर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने शंखनाद अभियान का शुभारंभ कर दिया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी सहित बीजेपी पदाधिकारी शामिल हुए। 28 अगस्त से 15 सितंबर तक बीजेपी 75 जिलों में जिला स्तरीय कार्यशाला अभियान चलाएगी। हालांकि निजी कारणों के चलते बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष का दौरा रद्द हो गया। इससे पहले बीजेपी कार्यालय में सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात को भी सुनते देखे गए। प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में सभी आईटी सेल की टीमों ने भी भाग लिया। प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में पार्टी के प्रदेश महामंत्री, क्षेत्रीय अध्यक्ष, सोशल मीडिया और आईटी विभाग के प्रदेश क्षेत्रीय स्तरीय टोली, सोशल मीडिया के जिला एवं लोकसभा के संयोजक, सहसंयोजक, आईटी विभाग के जिला संयोजक, सहसंयोजक शामिल हुए। कुल मिलाकर तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी दिखे। बीजेपी अपनी सोशल मीडिया नेटवर्क को बढ़ाने के लिए शंखनाद अभियान की शुरुआत कर रही है। अभियान की सफलता के लिए सोशल मीडिया और आईटी विभाग की प्रदेश स्तरीय संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी भी जो है यहां पर मौजूद रहे। तो सोशल मीडिया के लिए शंखनाद बीजेपी ने शुरू कर दिया है। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती। कुल मिलाकर इंग्लिश की एक जो कहावत है, बीजेपी कोई भी पत्थर जो है अनटर्न नहीं रखना चाहती। सर, आज भारतीय जनता पार्टी आईटी और सोशल मीडिया की कार्यशाला है, क्या कुछ रहेगा इस कार्यशाला में, क्या उद्देश्य है इसका? आज आईटी और सोशल मीडिया की जो कार्यशाला है उसमें अपनी बात, अपने काम और अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में, अधिक से अधिक लोगों के बीच में हम पहुंचा सकें अपने काम को। आज के दौर में, इस संचार क्रांति के युग में, सोशल मीडिया का, आईटी का किस प्रकार से बेहतर हमें अपनी बात और देश के और क्षेत्र के विकास के लिए हमें करना है, आज अलग अलग सत्रों में हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि सोशल मीडिया की भूमिका हमारे संगठन के काम के लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो जो विषय हमें जनता के बीच में, समाज के सामने रखने हैं, प्रचार की दृष्टि से भी और अपने काम के रिपोर्ट कार्ड की दृष्टि से भी, उन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सर।